स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 18 जून के करंट अफेयर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सूखे व मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए, यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 17 जून को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व सहयोग देने के लिए, ताकि हम सूखे और डेजर्टिफिकेशन से निपट सकें। जो दुनिया भर में ड्रॉट की समस्या है, सूखे की समस्या है, उस पर दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। यूएन द्वारा इसकी घोषणा 1994 में की गई थी। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? एक तो डेट याद रखनी है और दूसरी थीम। तो थीम इसकी क्या है? फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड द लैंड, ये इसकी थीम है, ये आपको याद रखनी है। और यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल विंग है सूखे से निपटने के लिए, वो है UNCCD। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन टू कॉम्बेट, सॉरी मैं यूएनसी का कुछ गलत बोल गया, तो UNCCD है। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अलावा आप एक बात और ध्यान रखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इसका पिछले साल यानी कि 2019 में सम्मेलन हमारे यहाँ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। भारतीय दिवालापन शोधन क्षमता बोर्ड यानी कि IBBI ने किसकी अध्यक्षता में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्शी बोर्ड ऑफ इंडिया की सलाहकार समिति को गठन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदय कोटक। उदय कोटक जो हैं कोटक महिंद्रा बैंक के MD व CEO हैं। इसके अलावा ये और भारतीय उद्योग परिसंघ के ये अध्यक्ष भी हैं। यदि हम सलाहकार समिति की बात करते हैं तो इसमें 14 सदस्य हैं, जिसमें से उदय कोटक उसके अध्यक्ष हैं और मैथिली उन्नी कृष्णन उसके सलाहकार हैं। अब हम बात करते हैं IBBI की। तो इसकी लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर 2016 में, और इसके अध्यक्ष हैं MS साहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लिखा हुआ है शारजहाँ शतरंज चैंपियनशिप ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के विजेता रहे, तो इसके विजेता कौन रहे? तो इसके विजेता रहे शख्स सिर मामे दिरो। इन्होंने इसमें पैंताला हरिकृष्ण को हराया 10 राउंड में, जिसमें से इनको मिले 7.5 अंक और पैंताला हरिकृष्ण को मिले 6.5 अंक। और ये शख्स सिर मामे दिरो अजरबैजान के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा ये जो सेकंड नंबर पे मैंने नाम लिखा है डी गुकेश, ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं और दुनिया में ये दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। दूसरे स्थान पर सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर की सूची में हैं ये ध्यान रखिए आप, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खादी व ग्रामोद्योग आयोग KBIC में किस राज्य में नीरा व ताल गुड़ के उत्पादन के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में पर्टिकुलर कहाँ? पालघर में इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है? अब इस योजना की शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि जो ताड़ होता है ना, नीरा होता है, उसको हम एज आ सॉफ्ट ड्रिंक का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो जनजातियाँ होंगी ना उनमें स्वरोजगार का सृजन होगा, और जो नीरा होता है ना वो ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। अब देखिए किसने शुरुआत की है? KBIC। तो ये MSME यानी कि मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के मंत्रालय के अधीन आता है, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं विनीत सक्सेना जी, ठीक है? चलिए इसके अलावा KBIC ने रेशम प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना, जो पहला है, पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र उसकी स्थापना गुजरात में की है, ये भी आप ध्यान रखिए।
और केवीआईसी ने टाइटन कंपनी जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है उसके साथ खादीबाज को भी लॉन्च किया है। टाइटन के साथ मिलकर खादीबाज को भी लॉन्च किया है, ये भी ध्यान रखिए। कौन सा राज्य मनरेगा के तहत रोजगार देने में पहले स्थान पर रहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मनरेगा के मजदूरों को रोजगार देने पर पहले स्थान पर रहा। इससे पहले छत्तीसगढ़ था, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से सभी मजदूर अपने प्रदेश में लौटे हैं, उस वजह से जो उत्तर प्रदेश है वो एक नंबर पर आ गया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने 57,000 ग्राम पंचायतों में 57 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है। मनरेगा की स्थापना 2005 के एक एक्ट के तहत 2006 में की गई थी, जिसमें मिनिमम 100 दिन का रोजगार की गारंटी होती है। इसके अलावा अभी लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने भी इसमें 20 रुपये की बढ़ोतरी की है। पहले शायद 180 रुपये मिलते थे, अब 200 रुपये मिला करेंगे, ऐसा कुछ है, ये आप ध्यान रखिए। किसने इस वर्ष के पर्यावरण के क्षेत्र में प्रिंस अल्बर्ट मोनेको फाउंडेशन अवार्ड 2020 जीता? तो इसका सही आंसर है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने ये अवार्ड जीता है। अब ये इन्हें दिया क्यों गया है इसके बारे में भी सुनिए। इन्होंने निम्नलिखित भूमि में पुनर्वास किया है, इसके साथ ही इन्होंने जैव विविधता को बढ़ाने के लिए इनकी महिला टीम द्वारा काम किया गया है, यानी कि बायोडायवर्सिटी को बढ़ाने के लिए काम किया गया है, इसलिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। और डेकन डेवलपमेंट सोसाइटी हैदराबाद में स्थित है, ये आप ध्यान रखिए। सार्क एंड एसोसिएट को कितने वर्षों के लिए पीएम केयर्स फंड का ऑडिटर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है इनको 3 वर्षों के लिए। अब देखिए पीएम केयर्स की फुल फॉर्म क्या है, तो पीएम केयर्स की फुल फॉर्म है पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सुनील गुप्ता, इन्हीं की अध्यक्षता में इसे ऑडिटर बनाया गया है। इसके अलावा 2019 में इसी संस्था को पीएम राहत कोर्स का भी ऑडिटर बनाया गया था, ये भी आप ध्यान रखिए, एडिशनल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल मंत्रालय द्वारा पहले चरण में कितने राज्यों में खेल इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर है 8 राज्य। देखिए आपको ये तो पता होगा कि खेलो इंडिया के तहत लगभग सभी राज्यों में कुछ ना कुछ इसके सेंटर हैं, लेकिन अब जो सेंटर की बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो ये अभी 8 राज्यों में बनाए जाएंगे, फिर धीरे धीरे सभी राज्यों में इनको फैलाया जाएगा, जिसमें से हमारी यूनियन टेरिटरी भी रहेंगे और हमारे सारे राज्य भी रहेंगे। लेकिन जो अभी 8 सेंटर बनाए गए हैं उसमें से 4 पूर्वोत्तर राज्यों में रहेंगे और 4 बाकी क्षेत्रों में रहेंगे। अब खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापना करने का मकसद क्या है? इनके तहत जो भी खेल इंडिया के जो भी केंद्र हैं उनको अपडेट किया जाएगा, उनमें ना अच्छे कोच प्रोवाइड किए जाएंगे और तकनीकी जो भी ज़रूरत है उनको, या फिर जो भी अच्छे कोच हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी, और जो एग्जिस्टिंग सुविधाएं यानी कि वहाँ पर जो सुविधाएं हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, जिससे कि और अच्छे से हमारे जो युवा हैं वो अच्छे से कॉम्पीट कर पाएँ। और अभी जो खेल मंत्री हैं वो हैं हमारे किरण रिजिजू जी। संतोष झा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम और कुवैत। तो बेल्जियम में संतोष झा को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अभी जो संतोष झा हैं वो उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत थे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी बेल्जियम के बारे में भी। तो जो बेल्जियम है उसकी राजधानी है ब्रुसेल्स, मुद्रा है यूरो, और जो उसके पीएम हैं वो हैं सोफी विलम्स। इससे पहले जो बेल्जियम की राजदूत थी वो थी गायत्री कुमार, जिनको कि अब यूनाइटेड किंगडम का राजदूत बना दिया गया है। इसके अलावा कुवैत में जो हमारे राजदूत नए बने हैं वो हैं सिवी जॉर्ज, नए राजदूत हैं कुवैत के, जो कि पहले स्विट्जरलैंड के थे, तो अब वहाँ की बन गई हैं मोनिक मुक्ता स्विट्जरलैंड की, और ये चले गए कुवैत। अगला क्वेश्चन है, आईटी पेशेवरों के लिए कर्म भूमि नौकरी पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अब देखिए क्या हुआ है, लॉकडाउन की वजह से जो आईटी पेशेवर थे अन्य राज्यों से लौट आए, अब ये पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल सरकार इनको अपने यहाँ नौकरी देना चाहती है, उसी के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अभी स्नेहा पोरोस योजना लॉन्च की गई है, जो कि लॉकडाउन में लौटे हुए मजदूर हैं उनके लिए है। प्रोचेष्टा योजना भी शुरू की गई है, जो कि अन्य राज्यों में पश्चिम बंगाल के फंसे हुए मजदूर हैं उनके लिए है ये। इसके अलावा मातृ स्मृति योजना की भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा नाबार्ड के द्वारा पश्चिम बंगाल को 1,050 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा एग्जिट ऐप भी पश्चिम बंगाल ने लॉन्च की है। जो बक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल होता है, वो भी पश्चिम बंगाल द्वारा लॉन्च किया फेस्टिवल मनाया जाता है पश्चिम बंगाल द्वारा। इसके अलावा हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को स्टील हब बनाने की जो घोषणा की गई थी, वो भी पश्चिम बंगाल के कोलकाता से ही की गई थी। मिशन पूर्वोत्तर के द्वारा हमारे जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें कोलकाता, सॉरी पश्चिम बंगाल से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एलजी राममोहन बोहरा का COVID-19 के कारण निधन हो गया, उन्होंने भारत के लिए किस युद्ध में अहम योगदान दिया था? तो इन्होंने 1971 का जो युद्ध था उसमें एक इम्पोर्टेंट रूप प्ले किया था। इसके बाद 1972 में भारत सरकार द्वारा इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत 2020 में किस स्थान पर रहा? तो भारत 43वें स्थान पर रहा, 2019 में भी 43वें स्थापना था पर था। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, वो की गई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा ये जारी की गई है। और यहाँ पर जो शीर्ष पर रहा वो रहा सिंगापुर, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा। भारत 43वें स्थान पर रहा है। देखिए इसमें इन्होंने क्या किस बेसिस पर रिपोर्ट की घोषणा की है, तो उन्होंने इस बेस पर ये घोषणा की है कि जो भी देश है उसकी रैंक, उसमें शिक्षा है उसका तरीका क्या है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि शिक्षा देने को इम्प्रूव करने के लिए क्या कार्य किया जा रहा है, उसके हिसाब से इन्होंने ये और इस पैरामीटर के ऊपर इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, मुखमलदकली अबिल गाजिब ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया? तो ये जो प्रधानमंत्री थे वो थे किर्गिस्तान में। अब इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जिस वजह से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। जो किर्गिस्तान है उसकी राजधानी है बिश्केक, मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम, और ये एक मध्य एशिया का देश है, हम कहते हैं ना मिडिल ईस्ट कंट्री, बस उसी में से किर्गिस्तान है। उसके ये प्रधानमंत्री थे मुखमलदकली अबिल गाजिब, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2020 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत FDI प्राप्तकर्ता देशों में किस स्थान पर रहा? तो भारत 9वें स्थान पर रहा। और इसको जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इसका ये 30वां संस्करण था, और ये UNCTAD अंकटेट के द्वारा जारी की गई है। जो अंकटाड है उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट का ये 30वां संस्करण जारी किया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 1991 में ये पहली बार जारी किया गया था। सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त करने वाला देश अमेरिका है, जो कि 246 बिलियन के साथ शीर्ष पर रहा। चीन दूसरे स्थान पर और सिंगापुर तीसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा भारत को जो FDI प्राप्त हुई है, वो हुई है 51 बिलियन डॉलर। इसके साथ ही वो 9वें स्थान पर रहा। और एक बात और ध्यान रखिए, भारत में जो सबसे ज़्यादा FDI आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो सिंगापुर से आता है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर 18 जून के। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।